इससे पहले वीडियो में आपने देखा था क्रेन की मदद से हमने ये मोटर को पंप हाउस में रखा था, तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एक चेन ब्लॉक के थ्रू इस मोटर को हम लोग पंप में बैठाएंगे। ये है एक स्लिपरिंग 355 किलोवाट का मोटर है और आप ये देख सकते हैं एलआरएस है। एलआरएस में अभी हम लोग कुछ पानी डाले हैं, उसके बाद इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद और बाकी हम लोग पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मैनुअली से उठा के पंप में रखा जाएगा। ये है पंप, देख सकते हैं ये एक वर्टिकल पंप है और मोटर भी वर्टिकल है। इस पंप के ऊपर से रखा जाएगा और ये है इसका पैनल है। सबसे पहले 3.3 केवी है, उसके बाद तीन मोटर के लिए इंडिविजुअल पैनल है। ये ब्रेकर 3.3 केवी का है, उसके बाद ये पहला मोटर का ब्रेकर है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये दूसरा मोटर का ब्रेकर है और उसके बाद थर्ड पैनल जो है स्पेयर में रखा गया। अगर मोटर हमारे पास होगा तो उस पैनल में कनेक्शन किया जाएगा और बेसिकली ये सीमेंस की तरफ से है। 3.3 केवी का इनकमर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है 11 केवी का पैनल है और ये ज्योति के तरफ से है। ये मेन इनकमिंग 11 केवी आता है, उसका ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ये 3.3 केवी होता है। एलआरएस का बैक साइड का जो कवर है उसे खोल कर उसमें जो है मोटर का स्लिपिंग सेट से जो केबल आएगा, बेसिकली ये 3 कोर का केबल रहेगा, RYB 3 फेज रहेगा और इस 3 फेज का केबल को इस बस बार में जोड़ा जाएगा और इसे अच्छी तरह टाइट किया जाएगा। अगर लूज रहेगा तो यहाँ से वो स्पार्क होने का चांस रहता है। मोटर जब चलेगा तो इस LRS में लगभग 300 से 350 एम्पीयर करंट लेगा, तो उस बीच में अगर लूज रहा तो ये काफ़ी स्पार्क होगा। स्पार्क होके ये लग जलने का भी चांस है या फिर बस बार भी जल सकता है, तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि ये लूज ना रहे। LRS से जो कंट्रोल केबल आएगा वो पैनल में किस प्रकार कनेक्शन होगा, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल से 6 वायर आएगा और 6 वायर ये पैनल में कनेक्शन किया जाएगा। 6 और ये 2 गिया है, हाँ ये 2 गिया है, ऊपर वो 2 गिया है। ये है LRS का कंट्रोल पैनल है, जिस कंट्रोल पैनल में पैनल से जो केबल आएगा ये 6 कोर का जो है इसमें नीचे कनेक्टर में कनेक्शन होगा। अभी इस मोटर को चेन ब्लॉक के द्वारा उठाया जा रहा है मैनुअली और इसे उठाने के बाद इस पंप के ऊपर रखा जाएगा और पंप में रखने के बाद फाइनली इसका बेस को टाइट किया जाएगा। टाइट करने के बाद इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगभग ये पहुंच चुका है पंप के ऊपर और पंप के ऊपर रखने के बाद इसका जो है फाउंडेशन बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट किया जाएगा और टाइट करने के बाद फाइनली कनेक्शन करेंगे हम लोग। तो अभी इसे आप देख सकते हैं बेस में किस प्रकार रखा जाएगा। LRS में कंट्रोल केबल को जोड़ दिया गया है, उसके बाद हम लोग एक बार इसे टेस्ट करेंगे ताकि ये मोटर चलने से पहले वो टेस्ट हो पाए। और अब देख सकते हैं इस मोटर को रखा जा रहा है पंप का बेस के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं मोटर और पंप का बेस को भी टाइट कर दिया गया है। LRS में पावर देने के बाद LRS को मैनुअली टेस्ट किया जा रहा है कि ताकि ये LRS आगे पीछे हो रहा है कि नहीं। उसके बाद पैनल से जो कंट्रोल वायर आया है उस कंट्रोल वायर को LRS के कनेक्टर में जोड़ देंगे। कनेक्टर में जोड़ने के बाद इसे ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे ऑटो मोड में करके ब्रेकर से ऑन ऑफ करेंगे। ब्रेकर से ऑन करने के बाद हम लोग देख लेंगे ये प्रेस फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये LRS रिवर्स फॉरवर्ड दोनों काम कर रहा है। मोटर को पंप में बैठाने के बाद अब इस मोटर का पावर सप्लाई दिया जाएगा। पावर सप्लाई देने के लिए इसका पैनल से जो केबल आया है उस केबल को मोटर में जोड़ा जाएगा और इस मोटर में 3.3 केवी 3300 वोल्ट सप्लाई देकर इस मोटर को स्टार्ट किया जाएगा। इसके चलते मोटर का केबल को अच्छी तरह से फाइनली टाइट करना है ताकि ये लूज नहीं रहे और उसके बाद इस मोटर का हम लोग रोटेशन टेस्ट करेंगे। और अभी देख सकते हैं इस केबल का
ग्राउंड जो है अर्थ जो है इसमें कनेक्शन किया जाएगा। और ये देख सकते हैं मोटर का सेकेंडरी तरफ पहले से शॉर्ट किया था, इसे शॉर्टिंग को हम लोग खोलेंगे और LRS का केबल को इसमें जोड़ेंगे। तो इसके लिए पहले इसका शॉर्टिंग को जो पहले हम लोग LT वोल्टेज चलाए थे उस शॉर्टिंग लिंक को हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद हम लोग फिर LRS का केबल को जोड़ेंगे। मोटर को पंप में बैठा दिया गया है और बैठा के इसका बेस को अच्छी तरह टाइट किया जा रहा है ताकि मोटर जब चालू होगा तो वाइब्रेशन में ये मोटर हिले नहीं, इसीलिए इसे अच्छी तरह से टाइट किया जा रहा है। अभी मोटर का सेकेंडरी साइड में LRS से जो केबल आया है उस केबल को अच्छी तरह जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद इसे फाइनली टाइट किया जाएगा। अगर ये लूज रहेगा तो इससे भी लग हीट होने के कारण लग कट सकता है या फिर इसमें जो बोल्ट लगा है बोल्ट भी जल के ख़त्म हो सकता है। तो इसे हमें अच्छी तरह टाइट करना होगा ताकि ये लूज नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे हाई करंट लेता है, हाई करंट के चलते अगर थोड़ा भी लूज रहेगा तो इसमें लग या फिर बोल्ट जो है डैमेज हो सकता है। तो इसे हमें अच्छी तरह टाइट करना होगा। मोटर को चालू करने से पहले इस LRS में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट डाल चुके हैं और फाइनली डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं। और इस डिस्टिल वाटर को डालने के लिए हमें इसका वाटर लेवल तक देखना पड़ेगा, वाटर लेवल जहाँ तक आएगा वहाँ तक इसे पानी डालना होगा। और इस LRS का टोटल कैपेसिटी है 275 लीटर, इसमें डिस्टिल वाटर जाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसको चालू कर पाएंगे। 3.3 इनकमल को ऑन किया जाएगा। ऑन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग मोटर फीडर को ऑन करेंगे। मोटर फीडर ऑन करने के बाद हम लोग मोटर को टेस्ट करेंगे कि मोटर का मेरा लोकेशन सही है कि नहीं। मोटर का रोटेशन चेक करने के बाद हम लोग फाइनली मोटर और पंप का कपलिंग करेंगे। कपलिंग होने के बाद फाइनली पंप को चालू किया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये कपलिंग किया जा रहा है, पंप और मोटर का दोनों को कपलिंग करके उसके बाद हम लोग इसे चालू करेंगे। मोटर को पंप के साथ कपलिंग करने के बाद अभी फाइनली इस मोटर को टेस्ट किया जाएगा। करंट देखो